top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. इस बारी जो हम लोग गए थे चोटी पे वो था माउंट मकालू. माउंट मकालू विश्व की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है. इस पे चढ़ने वाले बहुत ही कम भारतीय हैं. इस पे ये काफ़ी दुर्गम चोटी मानी जाती है. इस पे एवरेस्ट के मुकाबले इसका डेथ टोल दो गुना है ऑलमोस्ट. तो इस बारी सफ़र हमारा रहा इसके टॉप तक. ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है इस चोटी पर और इस पर चढ़ने वाले शायद हम लोग पहले भारतीय भी हो सकते हैं जी. बहुत खुशी की बात है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. मगर खुशी की ये भी बात है कि उसको सपोर्ट भी मिल रहा है. अब पहले टाइम के जैसे नहीं रहा है. उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है. यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उसको मदद की है. उसको मतलब शाबाशी भी दी. उसको बुलाया भी. जब जाते वक्त भी उसको फ्लैग ऑफ किया था. आने के बाद भी फ्लैग इन किया गया. तो एक बच्चे को एक यंग युवा को एक अच्छा मैसेज जाता है. एक लगता है कि मेरे साथ सारी दुनिया खड़ी है. जो प्रशासन है वो भी खड़े हैं. तो एक हर मतलब सिर्फ अर्जुन वाजपेयी नहीं जो भी सब युवा है इस देश प्रदेश के उनके लिए भी एक बहुत अच्छे मैसेज है कि आपको रिकग्निशन मिल सकती है. बट हाँ उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और उसके लिए आपको फोकस रहना चाहिए. ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. बिल्कुल देना चाहिए. हर खेल अपने हिसाब से एक अच्छा मतलब एक बच्चे के लिए एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है. खेल एक ऐसी चीज़ नहीं है जैसे जैसे पढ़ाई जैसे जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते उनके लिए भी मिलना चाहिए. ये जैसे खेल में है हॉकी है और भी टेनिस है इतने सारे अपने पास गेम्स है. एक बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी में पेरेंट्स ने भी बढ़ावा देना चाहिए और साथ साथ प्रदेश ने भी उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट हो जानी चाहिए जिसके लिए जिससे बच्चे वहाँ पे जा सके. फिलहाल अभी बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि उनको उस तरह के माहौल नहीं मिलता उस तरह से फैसिलिटी नहीं मिलती. तो उसके आगे क्या करेंगे ये एक सवाल प्रॉब्लम आ जाती है उनके लिए. तो इसलिए एक प्रदेश की तरफ से अगर उनको वो फैसिलिटी मिल जाती है तो आई एम श्योर कि सारे बच्चे इस देश के अच्छा अपना देश का नाम रोशन करेंगे. We're in the middle of Makalu La. Quite a steep terrain as you can see. And bad weather. Some more people coming from down there. You've got to go up there. Quite a hard climb as you can see. Still have about 500 meters more straight going up from here, like this. Keep climbing. हमारे दोस्त भी जब कहेंगे तब बोलो हमको ऐसे सुनने को मिलेगा चेला है. सो एस यू कैन सी वी आर नॉट मॉडरेटिंग एनी. 3 अप्रैल इस साल के हम लोग यहां से निकले थे. अराउंड अब 62 डेज हो गए जब हम लोग यहां से निकले थे. इस महीने की 23 तारीख को 12:24 पे हम लोगों ने मकालू पे सक्सेसफुली इंडिया का झंडा लहराया और फाइनली हम लोग ने
एंड में रियल समिट की तरफ ट्रेवर्स करते हुए एक रिकॉर्ड भी कायम करा हिंदुस्तान के लिए, यंगेस्ट क्लाइंबर बनने का माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में। 2 मीटर एक ऐसा मार्क है जो माउंटेनियरिंग में सेट करा गया है, जिसके ऊपर बुलाते हैं डेड जोन। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 1/3 होता है जो इसके यहाँ पे जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। कई जने 5% बोलते हैं, 5% नहीं होता, 1/3 होता है जितना हम लोग यहाँ पे ब्रीथ करते हैं उसका। तो इसकी वजह से, ये कंडीशंस होने की वजह से ह्यूमन बॉडी का एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जो एक ह्यूमन बॉडी कम ऑक्सीजन लेवल से एक्लिमेटाइज कर पाती है और फिर भी नॉर्मल तरीके से प्रोसेस कर पाती है, ये स्लो हो जाता है। इस आपके दिमाग और आपके ब्रेन के बीच में ये जो स्कल की लाइन होती है और ब्रेन के जो पानी जमना शुरू हो जाता है, लंग्स में पानी झरना शुरू हो जाता है, ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो मरती हैं, और ब्रेन सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो जनरली ये तजुर्बे वाले लोग इस माउंटेंस पे क्लाइंब करते हैं। मैं मकालू पे हमारा सफ़र शुरू हुआ था 2013 में, जब हमने पहली बार इस पे अटेम्प्ट शुरू करा था और सबमिट करके आए, तब पता लगा कितना लंबा रास्ता था। उस दिन पता लगा कि कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं और मकालू में टेक्निकली इस बारी हमारे को काफ़ी चुनौतियाँ आई ऊपर, जब हम 23 तारीख की सुबह 22 तारीख की रात को जब हम कैंप 4 से चले, तब बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई। अब मकालू का हम लोगों ने टोटल 3 कैंप लगाए, जहाँ लोग जनरली कैंप 1 लगाते थे वहाँ पर हम लोगों ने कैंप 2 लगाया इस बारी, और वहाँ से सीधा कैंप 3 जो हमारा कैंप 2 था, और कैंप 3 से फिर कैंप 4 जो हमारा कैंप 3 था। 3 कैंप लगाते हुए हम लोगों ने मकालू पे इस बारी अटेम्प्ट करा और सफलतापूर्वक 23 तारीख को हम लोगों ने इस पे सबमिट करा, जिसके साथ हमने एक इंडिया के लिए रिकॉर्ड कायम करा जो आज